अदलान वाटर टैंक लेकर आए हैं 6 लेयर वाटर टैंक्स, जिस पर दे रहे हैं 25 साल की गारंटी। सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच न्यूज टीवी। आइए नजर डालते हैं हैदराबाद न्यूज एक्सप्रेस के खास खबरों पर। यूक्रेन में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई स्टूडेंट्स फंस गए। यूक्रेन में फंसे तलबा में खौफ पाया जाता है क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसकी वजह से दोनों रियासतों के कई तलबा इस जंग ज़दा मुल्क में फंस गए हैं। वो MBBS इंजीनियरिंग और दीगर कोर्सेज की तालीम हासिल कर रहे हैं। रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग जारी है। यूक्रेन में तालीम हासिल करने के लिए मुकामी तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद के बाज तलबा भी वहां फंस गए। मंचिरियाल के अखिल, रवाली, स्फूर्ति, आदिलाबाद के वंशी कुमार, विश्वास, कुमरान भीम के हरि प्रसाद यूक्रेन में फंसे हुए हैं। तलबा अपने माँ बाप से फ़ोन पर रबते में है और वो महफूज बताए गए हैं। IT मिनिस्टर तेलंगाना के तारका रामाराव ने यूक्रेन में फंसे रियासत के स्टूडेंट्स को वतन वापस लाने के लिए हुकूमत की जानिब से सफ़र खर्च बर्दाश्त करने के ऐलान किए हैं। केटिया ने मरकजी वजीर खर्जा जयशंकर को ट्वीट किया और यूक्रेन में फंसे तेलंगाना के स्टूडेंट्स के लिए मदद की दरख्वास्त की। केटिया ने मरकज से तलबा की वतन वापसी के लिए स्पेशल फ्लाइट शुरू करने की अपील की। उन्होंने वाजे किया कि तेलंगाना हुकूमत तलबा के सफ़र के मुकम्मल अखराज बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। IT मिनिस्टर तेलंगाना और फॉरेस्ट मिनिस्टर तेलंगाना इंदिरा किरण रेड्डी के साथ हैदराबाद में जंगलात के इंतजाम और बहाली से मुतालिक एक खसूसी वर्कशॉप में शिरकत की। इस मौके पर KTR ने कहा कि हरिता हरम जैसी स्कीम्स के साथ रियासत में ग्रीन एरिए को 24 से बढ़ाकर 31% कर दिया गया है और उन्होंने ऐलान किया कि फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी जल्दी ही कायम की जाएगी। सरकारी दवाखानों में डॉक्टर्स मौजूद ना रहने और लापरवाही के आम वाकयात का ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सख्त नोट लिया है। अखबारात में छपी खबर पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए मुतालिका डॉक्टर्स ने इसकी वजाहत तलब की है और 30 मार्च तक तमाम तफसीलात को पेश करने की हिदायत दी है। सरकारी दवाखानों में डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी और गांव में डॉक्टर्स की खानगी प्रैक्टिस आम बात हो गई है। सरकारी डॉक्टर्स पर अपने खानगी क्लिनिक्स और दवाखानों पर तवज्जो देते हुए ड्यूटी से लापरवाही के इल्जाम हैं। कार रेस, बाइक रेस के बारे में हमने सुना है और देखा भी है। क्या आपने कभी ऑटो की रेस के बारे में सुना या देखा है? अगर नहीं देखा है तो आज देख लीजिए। शहर हैदराबाद के पुराने शहर में 3 ऑटो में रेस देखी गई और ये लोग सड़कों पर हंगामा बरपा कर रहे थे और ख़तरनाक स्टंट्स के साथ रेस लगा रहे थे। ये खौफनाक मंजर हैदराबाद के संतोष नगर से चंदनगुट्टा रोड पर देखा गया। डिपॉजिट के नाम पर धोखा देने वाली एक खानगी धोखेबाज कंपनी को साइबराबाद पुलिस ने माधोपुर की मेथलॉडिस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पर्दाफाश कर दिया। बताया जाता है कि इस कंपनी की जानिब से तकरीबन 3,500 डिपॉजिटर्स से 75 करोड़ रुपया वसूल किया गया। पुलिस ने कलकत्ता के रहने वाले 59 साला जैन विश्वास MD मेथलॉडिस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इसकी बीवी मौसमी, जो कंपनी की एक डायरेक्टर है, फरार बताई गई है। तिलमलगिरी पुलिस ने ड्रग्स कारोबार में मुलविस 5 लोगों की टोली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 35 साला राजू रावत अपने दीगर साथियों की मदद से ड्रग्स का कारोबार चला रहा था। पुलिस ने बताया कि ये लोग जो नशे के आदि है और कई रियासतों से गांजा हासिल करते हुए शहर हैदराबाद में डबल कीमत में बेचने की कोशिश में थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 1,530 किलो गांजा जब्त कर लिया और अदालत में पेश करते हुए जेल भेज दिया।
जिले संगारेड्डी में पेश आए सड़क हादसे में तीन अफराद हलाक हो गए। कांडी के पास कल रात नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में चल्ला गोडम गांव के रहने वाले तीन मजदूर हलाक हो गए, जो अपने घर वापस जा रहे थे। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना के जिले करीमनगर के रामारावपल्ली गांव में एक जोड़े को नामालूम हमलावरों ने इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। रामारावपल्ली के साबिक एमपीटीसी वेंकटी और उनकी अहलिया कनकामा को उनके ही खेत में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। कत्ल की वजह जमीन का झगड़ा बताया गया है। इतला मिलने पर पुलिस ने मुकामी वारदात का मुआयना किया और केस दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। नान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके फोर लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन।